अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अकरम है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिया के बारे में चंद दिलचस्प हकायक बताएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आबादी के लिहाज से इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और 32,000 मुरब्बा मील पर फैला हुआ भारत रकबे के लिहाज से दुनिया का सातवां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, 1947 के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए। दोस्तों, उससे पहले यह खित्ता बर्रे सगीर कहलाता था। अगर हिंदुस्तान की तारीख की बात की जाए तो बर्रे सगीर पाको हिंद के 30 कबले मसीह में इंडस तहजीब के असरात मिलते हैं। दोस्तों, इंडस तहजीब का शुमार दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों में किया जाता है। दोस्तों, उस दौर में इंडस तहजीब से ताल्लुक रखने वालों का ताल्लुक हिंदू मत से होता था और इसके अलावा दुनिया के कई मजाहिब की इब्तिदा भी इसी सरजमीन पर हुई, जिसमें बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म ने भी इसी सरजमीन पर जन्म लिया, जबकि इस्लाम ईसाई अपने इब्तिदा के तकरीबन 1000 साल में ही इस खित्ते तक पहुंच गए थे। दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू आबाद हैं। भारत की कुल आबादी का 79% हिंदुओं पर मुश्तमिल है। दोस्तों, भारत का दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है। यहाँ की आबादी का 14.2% मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर मजाहिब में ईसाई और सिख आबाद हैं। दोस्तों, बर्रे सगीर पर मुख्तलिफ अदवार में कई बड़ी ताकतों ने हुकूमत की। दोस्तों, इस खित्ते पर मुगलों और अंग्रेजों ने भी अपनी हुकूमत। दोस्तों, उस वक्त भारत मुत्तहदा बर्रे सगीर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान ने अंग्रेज राज से आजादी हासिल की और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। दोस्तों, 2017 में इंडियन इकॉनमी दुनिया की 6वीं बड़ी इकॉनमी थी। दोस्तों, 1991 के बाद इंडिया की इकॉनमी ने बहुत तरक्की की। दोस्तों, इस दौर में इंडिया ने इंडस्ट्री की तादाद में बहुत इजाफा किया। एक एटमी ताकत होने के साथ साथ इंडिया की आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। दोस्तों, इंडिया दिफाई बजट के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। दोस्तों, भारत में विफाकी जमहूरी निज़ाम चलता है। भारत को कुल 29 रियासतों और 7 विफाकी इलाकों में तकसीम किया गया है। दोस्तों, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। दोस्तों, इंडिया में बेपनाह सिनेमाघर मौजूद हैं। दोस्तों, इसके अलावा भारत में 7 बड़ी सियासी पार्टियां भी मौजूद हैं। दोस्तों, इंडियन कांग्रेस और बीजेपी भारत की दो सबसे बड़ी सियासी जमातें हैं और भारत पर ज़्यादातर हुकूमत इन दोनों पार्टियों ने ही की है, और इसके अलावा 40 के करीब इलाकाई पार्टियां भी मौजूद हैं। दोस्तों, इंडिया के आईन के मुताबिक हेड ऑफ स्टेट सदर है, और जबकि उसके नीचे पार्लियामेंट काम करती है और पार्लियामेंट का सरबराह वजीर आजम होता है। दोस्तों, सदर और वजीर आजम के ओहदे की मुद्दत 5 साल है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आपको इंडिया के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक बताऊं तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डाक सिस्टम इंडिया में मौजूद है। दोस्तों, इस वक्त 1,55,000 से ज्यादा डाकखाने इंडिया में मौजूद हैं। दोस्तों, रोजाना की बुनियाद पर एक डाकखाने से 1,70,000 लोग मुस्तफीद होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा पानी में तैरता हुआ डाकखाना भी इंडिया में मौजूद है। दोस्तों, ये डाकखाना इंडिया के जेरे इंतजाम कश्मीर में मौजूद है। दोस्तों, इंडिया में ही दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। दोस्तों, 2011 में इस मेले में आने वालों की तादाद 75 मिलियन से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। दोस्तों, इसके बाद दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड भी भारत में मौजूद है। दोस्तों, ये ग्राउंड इंडिया हिमाचल प्रदेश के चायल के मुकाम पर मौजूद है। दोस्तों, इस क्रिकेट ग्राउंड की सतह समंदर से ऊंचाई 2244 मीटर है। दोस्तों, इस ग्राउंड की तामीर का काम 1896 में मुकम्मल हुआ। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इंडिया की कबड्डी टीम, जो दुनिया में होने वाले कबड्डी टूर्नामेंट के 5वें वर्ल्ड कप जीत चुकी है। दोस्तों, इंडिया की कौमी कबड्डी टीम वर्ल्ड कप में होने वाले किसी भी मैच में नहीं हारी। अगर हम इंडिया की क्रिकेट टीम की बात करें तो इंडियन क्रिकेट टीम 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीत चुकी है, एक 1983 में और दूसरा 2011 में। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इंडिया के साबिक सदर डॉक्टर अब्दुल कलाम की। अब्दुल कलाम ने 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड का दौरा किया। दोस्तों, इस दिन को स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने साइंस का दिन करार दिया, जो हर साल 26 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, इंडिया की कौमी जुबान तो हिंदी है, लेकिन इंडिया में कई जुबानें बोली जाती हैं
और इसके अलावा इंडिया में इंग्लिश बोलने वालों की तादाद यूएस की आबादी से भी ज़्यादा है। इंडिया में 125 मिलियन के करीब लोग इंग्लिश बोलते हैं और इसके अलावा दीगर ज़बानें भी बोली जाती हैं। दोस्तों, इंडिया में 1652 ज़ुबानें तक बोली जाती हैं, जबकि हिंदी और इंग्लिश के अलावा 17 ज़ुबानों को कौमी ज़ुबानों का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्जी खोर भी भारत में पाए जाते हैं। भारत की आबादी का 40% सब्जी खोर लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इंडिया दुनिया में दूध बरामद करने वालों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, साल 2014 में इंडिया ने 132 मिलियन टन दूध बरामद करके यूरोप का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। दोस्तों, इंडिया से ही ताल्लुक रखने वाली एक खातून शकुंतला देवी को ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहा जाता है। दोस्तों, इंडिया में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान में रहने वाले 35% लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं और इसके अलावा इंडिया में दुनिया का 38वां बड़ा रोड नेटवर्क इंडिया के पास है। इस रोड की कुल लंबाई 1.9 मिलियन मील है। दोस्तों, इसके अलावा इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम भी मौजूद है। दोस्तों, ताजमहल को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा खानदान भी हिंदुस्तान में मौजूद है। दोस्तों, इस खानदान का घर 100 कमरों पर मुश्तमिल है। और इसके अलावा दोस्तों, इंडिया का दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली है, जिसकी आबादी 1.5 करोड़ से जायद है। दोस्तों, न्यू दिल्ली दुनिया का सबसे गर्द आलूद शहर भी है। दुनिया भर में 20 गर्द आलूद शहरों की लिस्ट में 7 भारत में है। दुनिया में सबसे ज्यादा गुलामी की जिंदगी गुजारने वाले भी इंडिया में मौजूद हैं। दोस्तों, इस वक्त 1.40 करोड़ लोग की जिंदगी जीने पे मजबूर हैं। दोस्तों, इंडिया में रहने वाली औरतों के पास दुनिया के सोने के जखायर का 11% मौजूद है। दोस्तों, ये इतना सोना है कि अगर स्विट्जरलैंड, IMF, अमेरिका जैसे बड़े ममालिक की रिजर्व से भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इंडिया की ज्यादातर आबादी बैरून मुल्कों में भी आबाद है। दोस्तों, सिर्फ इंग्लैंड में रहने वालों की तादाद ही 1 मिलियन से ज्यादा है, जबकि कनाडा और अमेरिका में भी बड़ी तादाद में इंडियन लोग मौजूद हैं। दोस्तों, इनमें कनाडा में सबसे ज्यादा सिखों की तादाद मौजूद है। दोस्तों, इंडिया के तमाम सूबों में मुख्तलिफ कल्चर रिवायात पाई जाती हैं और ये सकाफतें हजारों साल पुरानी हैं। दोस्तों, इंडिया अपनी सकाफत कल्चर की बुनियाद पर दुनिया में अपना मुकाम रखता है। दोस्तों, इसके अलावा हिंदुस्तान में 3 कौमी छुट्टियां होती हैं, जिनमें यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया और यौम गांधी शामिल हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इंडिया में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, इनमें होली, दिवाली और ईद शामिल हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में गाय को एक बहुत मुकद्दस जानवर समझा जाता है और कई हिंदू लोग तो गाय को अपनी माँ का दर्जा देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।